हेलो स्टूडेंट्स, चैनल डाउट हट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 9 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ये पूरा ही चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस चैप्टर के हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी आकृति में दी हुई है, ये यहाँ पर ये खंभा है ए बी और ये रस्सी यहाँ से बंधी हुई है इस सिरे से, ए सिरे से बिल्कुल तनी हुई है और इस रस्सी की जो लंबाई है वो है 20 मीटर और ये रस्सी इस भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। हमें इस खंभे की ऊंचाई बतानी है ए बी। ए बी है यहाँ खंभे की ऊंचाई, इसको हम मान लेते हैं h। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आकृति बनने के बाद हमें सवाल को करने में बड़ी आसानी होगी। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, ये कोण यहाँ पर है उन्नयन कोण 30 डिग्री का। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, h ऊंचाई निकालनी है और AC हमें दी हुई है, तो इस त्रिभुज के अंदर h हो जाएगा लंब। थीटा के सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब और ये सबसे बड़ी भुजा क्या कराएगी, कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो यहां पर हम लगाएंगे साइन थीटा। त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हमें लंब निकालना है, ये एच निकालना है, कर्ण हमें दिया हुआ है, तो हम लंब बटे कर्ण को लेकर चलेंगे। साइन थीटा, थीटा यहां पर है 30 डिग्री, बराबर लंब, लंब है यहाँ पर ए बी या एच जिसको हमने एच माना है, बटे कर्ण, कर्ण यहाँ पर है ए सी जो दिया हुआ है हमें 20। साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर एच बटे 20। आर पार गुणा करेंगे 2h = 20, यहाँ से हमारे पास एच बराबर आ जाएगा 20/2, 10 और एच हमें निकालना था। अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर तो इस तरह से हम खंभे की ऊंचाई निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले इसे आकृति बनाएंगे, ये हमारा जमीन का लेवल है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ यहां पर था इस तरह से मान लो आंधी आने से पहले, फिर वो टूट जाता है बीच से, कहीं से भी टूट करके जमीन पर टिक जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये यहाँ से टूट जाता है इस भाग से और ये ऊपर का जो भाग टूटा हुआ ये इस तरह से आके नीचे टिक जाता है इस तरह से। और इसके साथ यानी कि जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण यहाँ पर ही जमीन को छुएगा तो यहाँ पर ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से, ये पेड़ है इसका पाद बिंदु ये की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी जहाँ पर ये पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी,
पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, ये भाग जमा ये टूटा हुआ भाग, वो कहलाएगा पेड़ की ऊंचाई। तो मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक, जहां जितना जो टूटा हुआ भाग सीधा खड़ा है वो ऊंचाई मान ली हमने x, और जो भाग टूट करके जमीन पर टिक गया ये बीसी भाग, इसको हमने मान लिया y। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पेड़ की कुल ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, जो भाग जमीन पर खड़ा है वो और जो टूट के जमीन पर टिक गया वो x जमा y। माना ए सी बराबर एक्स व बी सी बराबर वाई मीटर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी एक्स जमा वाई मीटर। हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो पहले एक्स का मान निकालते हैं, त्रिभुज एबीसी में ये हमें दिया हुआ है 8 मीटर एक्स, और इसको लेके चलते हैं। उन्नयन कोण हमारा यहाँ पर 30 डिग्री, तो कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, होता है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको याद करने का, एल एन बटे के ए, लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा। तो लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा हमारा यहाँ पर 30 डिग्री बराबर लंब है एक्स बटे आधार, आधार है 8। टेंजेंट 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर एक्स बटे 8। आर पार गुणा करेंगे, यहां से हमारे पास एक्स वर्गमूल 3 बराबर आ जाएगा 8, या ये कह सकते हैं कि एक्स बराबर होगा 8/√3। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। दोबारा से अब त्रिभुज एबीसी में ही अब हम लेके चलेंगे y को, y और इस AB को। y हमारा यहाँ पर ये ABC है, और BC क्या, इस त्रिभुज में कर्ण है सबसे बड़ी भुजा। y यहाँ पर कर्ण है और AB यहाँ पर आधार है, तो आधार बटे कर्ण cos लगाएंगे हम। cos थीटा, थीटा है 30 डिग्री, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है यहाँ पर 8 मीटर बटे कर्ण, कर्ण है यहाँ पर y, तो 8/y। cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 बराबर 8/y। आर पार गुणा करेंगे, √3y बराबर 16, और यहां से y आ जाएगा 16/√3, समीकरण नंबर 2। हमें चाहिए x जमा y, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x जमा y बराबर होगा 8/√3 जमा 16/√3। वर्गमूल 3 लघुत्तम आएगा, 8 जमा 16 बराबर 24/√3। x जमा y आ गया हमारे पास 24/√3। नीचे वर्गमूल है तो इसका प्रिमेकन करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, तो x जमा y बराबर 24/√3 गुणा वर्गमूल 3, नीचे भी वर्गमूल 3 से गुणा, 24/√3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 8 पे कट जाएगा, 8/√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर, तो लिख देंगे यहां पर, अतः ये हमें इसके अंदर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति बनाएंगे पहले, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये हमने ले लिया यहां पर मीनार, मीनार का पाद बिंदु है ये, 30 मीटर की दूरी पर है, ये एक बिंदु है यहां पर जो इस पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से लेकर के और यहां तक की ये दूरी है, ये है 30 मीटर। मीनार के शिखर, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखने पर मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो दे रखे हमें 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, ए बी, ए बी है मीनार, तो हमें ए बी की ऊंचाई बतानी कितनी होगी। ए बी को हम मानना चाहें तो मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, मानना चाहे तो मान सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, हमने ए बी को एच मान लिया कि माना मीनार की ऊंचाई। बराबर h मीटर। त्रिभुज ABC में यहां पर हमें h मालूम करना है और BC हमें दिया हुआ है, थीटा हमारा है यहां पर, तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी वो कहलाएगी लंब, तो ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार इसको लिख लेंगे हम, इसे आसानी होगी हमें, लंब और आधार किसमें आएगा, टेंजेंट, तो टेंजेंट लगाएंगे यहां पर, टेंजेंट थीटा, थीटा है 30 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, लंब है यहां पर एच, आधार है बी सी या 30 मीटर, टेंजेंट 30 का मान होगा 1/3, बराबर एच बटे 30, आर पार गुणा करने पर वर्गमूल 3h बराबर 30, यहां से हमारे पास h आ जाएगा 30/3, नीचे वर्गमूल है तो इसको ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा कर देंगे, h बराबर आएगा 30/3 / 3 3 से 30 को काट देंगे 10/3। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, झुकाव कहें या उन्नयन कोण कहें, 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आकृति बनाते हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह भूमि है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी पतंग है वो यहां पर है 60 मीटर जमीन से ऊपर, पतंग में लगी डोरी, जो डोरी होगी वो इस तरह से होगी, ये है डोरी की लंबाई, डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, इस डोरी को यहां पर इस बिंदु से, ए बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, इस डोरी का भूमि के साथ झुकाव, ये जो कोण है उन्नयन कोण, ये है 60 डिग्री, ये मार्कर की डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी बिल्कुल तनी हुई है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें डोरी यानी ए बी की लंबाई बतानी है, मान लेते हैं, माना डोरी की लंबाई बराबर एक्स मीटर, ये जो ऊंचाई है ये बी सी, ये है 60 मीटर, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो पतंग है ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ऊंचाई को हमेशा लंबवत मापते हैं, ये 60 मीटर है। त्रिभुज ए बी सी में, अब यहां पर हमें ये भुजा दिए रखी है और ये भुजा हमें ए बी निकालनी है, इन दो भुजाओं को लेके चलेंगे हम,
कुंड मारा, ये है इसके सामने की भुजा कहलाएगी लंब, और ये है कर्ण, सबसे बड़ी भुजा या 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन लगाएंगे यहां पर, साइन थीटा, थीटा है 60 डिग्री, बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है यहां पर 60 मीटर। ए बी जो हमने मानना है एक्स, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 बराबर 60/x, आर पर गुणा करेंगे, वर्गमूल 3x बराबर 60 × 2 120, या ये कहें कि x बराबर 120/√3। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 120√3/3, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 हो जाएगा। x बराबर 3 से काट देंगे इसको 40 पे, 40√3, ये है x का मान, x माना था हमने डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह हमारा जमीन का स्तर है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये बिंदु है यहाँ पर, इससे हमने 20 मीटर ऊंचाई भवन यहाँ पर दर्शा दिया है कि शिखर से, इस भवन का शिखर है ये, इसको हम नाम देते हैं ए बी, इस भवन का शिखर है बी, लगी संचार मीनार, इसके ऊपर एक संचार मीनार है, ये हमने ले लिया यहां पर एक संचार मीनार बी के ऊपर सी तक, इस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण इस बिंदु से, ये बिंदु है यहां पर डी, तो भूमि के एक बिंदु से, बिंदु डी से 20 मीटर ऊंचे एक भवन, यह है भवन यहां से लेकर के और यहां तक ए बी के शिखर पर लगी मीनार, इसके शिखर के ऊपर ये संचार मीनार, एक टावर लगा हुआ है बी सी के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल इसका है बी तो ये कोण, और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर है इसका सी, इस बिंदु से देखने पर संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, ये कोण है 45 डिग्री का और ये कोण है 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार है बीसी, तो हमें बीसी की ऊंचाई बतानी है, बीसी को हम मान लेते हैं एच, माना मीनार की ऊंचाई, बराबर h मीटर, मीनार की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया, जो हमारी BC है ये मीनार है, AB है ये भवन है, AB हमें B से दिया हुआ है, पहले हम त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ए बी डी के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री, ये कोण के सामने की भुजा होगी लंब, ए बी है लंब और ए डी हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा टेंजेंट, तो इसमें लगाएंगे हम टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, थीटा है 45 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ए डी जो दे रखे हमें 20 बटे आधार, आधार है इसका ए डी, टेंजेंट 45 का मान होता है एक, एक बराबर 20/AD, या यहां से हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर आ जाएगा 20 मीटर, हमने ए डी की लंबाई निकाल ली 20 मीटर।
इसके बाद अब त्रिभुज लेंगे हम ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी के अंदर जिसका उन्मेन कोण है 60 डिग्री, ये हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा आधार। टेंजेंट लगाएंगे इसके अंदर भी, टेंजेंट थीटा है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है इसका ये ए सी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि इस त्रिभुज ए सी डी के अंदर लंब होगा ए सी, और ए सी हमारे पास हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको मिल सकते हैं एच जमा बीस, एच जमा बीस मीटर। ए सी, ए सी है ए बी जमा बी सी, ए बी है बीस, बी सी है एच, तो बीस जमा एच या एच जमा बीस, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ए सी है वो है ए बी और बी सी का जोड़, और ए बी है 20 और बी सी हमने मानी है h, तो ए सी हो जाएगी h जमा 20 मीटर, तो लंब हो जाएगा इस त्रिभुज के अंदर h जमा 20 बटे आधार, आधार है ए डी, और ए डी हमने अभी निकाला था 20, तो यहाँ रखेंगे हम ए डी जो है 20। टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर h जमा 20 बटे 20, आर पार गुणा करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा h जमा 20 बराबर 20 वर्गमूल 3, या ये कहें कि h बराबर हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 घटा 20, 20 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा वर्गमूल 3 घटा 1, या h बराबर हो जाएगा हमारे पास 20 गुणा वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732 घटा 1, 20 गुणा ये बचेगा 0.732, गुणा कर देंगे इसकी 14.64। अतः हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो हमने मानी थी h, और h का मान आया हमारे पास, या तो ये कह सकते हैं कि 20 गुणा वर्गमूल 3 घटा 1 या 14.64 मीटर, कोई सा भी हो सकता है, दोनों इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति बनाते हैं पहले, ये भूमि का सतह है, ये मीनार है, और यहां पर ये हमने भवन को ले लिया। एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, इसका पाद बिंदु होगा ये, इसको नाम दे देते हैं ए। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन है ये बी सी, बी सी है भवन, इस ए बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से देखने पर सी की तरफ ये कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से, ये है भवन, इसके पाद बिंदु से यानी बी से मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर है डी, तो बी से डी की ओर देखने पर उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, इसको हमने 60 डिग्री लिया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार है एडी, मीनार है हमारी एडी, और इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें भवन बी सी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आकृति को दोबारा समझो एक बार, ए डी एक मीनार है और बी सी एक भवन है, इस भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई दे रखी 50 मीटर, हमें इस भवन की बी सी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि माना
भवन की ऊंचाई h मीटर। त्रिभुज पहले ले लेते हैं हम ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ये हमारा है लंब, क्योंकि कोण है 30 डिग्री का। यहाँ पर इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब, और ये क्या कहलाएगा? आधार। तो लंब बटे आधार हम लगाएंगे यहाँ पर, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट लगाएंगे यहाँ पर, टेंजेंट थीटा, थीटा है 30 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा बी सी या एच बटे आधार, आधार है ए बी। टेंजेंट 30 का मान हुआ 1/√3 बराबर एच बटे ए बी। यहां से हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा एच वर्गमूल 3 मीटर। ए बी का मान हमने निकाल लिया यहां से। अब लेंगे त्रिभुज ए डी बी या ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज के अंदर कोण है वो उन्नयन कोण वो है 60 डिग्री। तो यहां पर 60 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये लंब हो जाएगा और ये आधार, लंब बटे आधार, टेंजेंट लगाएंगे इसके अंदर भी, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए डी, ए डी है 50 दिया हुआ है, बटे आधार है ए बी। टेंजेंट 60 का मान होगा वर्गमूल 3 बराबर 50 बटे ए बी। ए बी का मान यहां से रखेंगे जो हमने पीछे निकाला था, ए बी बराबर है एच वर्गमूल 3, उसका मान यहां पर रख देंगे, आर पार करेंगे गुणा, ये आएगा एच वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर 50। यहां से हो जाएगा एच गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3, या कह सकते हैं कि 3h बराबर 50, और h बराबर 50 बटे 3। इसका मान दशमलव में निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 16.6 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, हमें टावर की ऊंचाई बतानी है। यहां पर देखो बच्चों, उन्नयन कोण के साथ साथ एक कोण अवनमन कोण हो रहा है यहां पर। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है उसको समझो एक बार। जैसे मान लो हम यहां पर खड़े हैं, यहां पर बी के ऊपर बैठे हैं, यहां पर किसी टावर के ऊपर या किसी भी कोण के ऊपर, यहां से जब हम देखेंगे नीचे की तरफ बिंदु सी की तरफ, तो हम इस तरह से देखेंगे नीचे की तरफ, यानी हमारा जो दृष्टि सतर होगा वो होगा नीचे की तरफ, और क्षितिज सतर होगा सीध होगी जो बिल्कुल वो इस तरफ होगी इस तरह से, लेकिन दृष्टि सतर हमारा होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये कोण बनेगा जो, ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण, जो ऊंचाई से नीचे की तरफ देखने पर बनेगा, ये कोण कहलाएगा अवनमन कोण। और उन्नयन कोण वो होता है जब यहां से हम सी से बी की तरफ देखें, जब सी से हम बी की तरफ देखेंगे ऊपर की तरफ, तो जो कोण बनेगा यहां पर, ये हमारा दृष्टि सतर हो जाएगा और ये क्षितिज सतर हो जाएगा या सीधी रेखा, ये कोण इसी बीच का कोण, ये कहलाएगा उन्नयन कोण। तो ये होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ देखने पर बनेगा और अवनमन कोण नीचे की तरफ देखने पर बनेगा। आकृति बनाते हैं पहले, ये हमने ले लिया है कि भवन 7 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन है इसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इससे एक केबल टावर, एक केबल टावर लेते हैं यहां पर, ये केबल टावर है। अब दिया हुआ क्या हमें कि 7 मीटर ऊंचे भवन, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, ये भवन है
और ये हमारा टावर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इस भवन का शिखर हो जाएगा ये बिंदु, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। जो बी है वो भवन का शिखर है। इस शिखर से केबल टावर के शिखर का, केबल टावर है सी डी, इस केबल टावर का शिखर है डी। तो यहाँ बी से देखने पर इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से देखेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, तो ये कौन बनेगा? ये कौन दे रखा है हमें 60 डिग्री, उन्नयन कोण है नीचे से ऊपर की तरफ देखा है, तो ये कौन बनेगा यहां पर 60 डिग्री का। इसके बाद फिर इसी बिंदु से, यानी कि बिंदु बी से या भवन के शिखर से ही केबल टावर के पाद का, पाद इसका है ये बिंदु सी बिंदु, इस बिंदु बी से सी बिंदु की तरफ देखने पर अवनमन कोण है 45 डिग्री। यहां से देखेगा वो इसकी तरफ, बी से सी की तरफ जो कोण बनेगा अवनमन कोण वो है 45 डिग्री। अब कोण देखिए कैसे बनेगा, वो यहां पर बैठा है यहां से देख रहा है, तो उसके क्षितिज सतह होगा ये और उसका दृष्टि स्तर हो जाएगा नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में कोण है ये, तो ये कोण बनेगा अवनमन कोण और ये है 45 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, टावर है हमारा सी डी, तो हमें सी डी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई एच मीटर, हमने टावर की ऊंचाई को एच मीटर मान लिया। अब देखिए यहां से इस आकृति के अंदर पहले इसको देखते हैं, ये हमारे पास है 7 मीटर, तो ये इसके पैरेलल है, समानांतर है, इसके बराबर दूरी होगी, इसको बिंदु ले लेते हैं हम ई, तो हमारा सी भी कितना होगा 7, तो ये सी ई जो होगा वो भी 7 मीटर होगा। अब यहां पर ये कोण है 45 डिग्री, अवनमन कोण है, इस अवनमन कोण को हम यहां पर लेके आएंगे, ये दोनों लाइनें क्या है सी ए और ई बी, दोनों क्या है समानांतर है, ये एक तीर्यक रेखा है बी सी, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर, एकांतर कोण। देखिए दो समांतर रेखा, ये है हमारे पास ई बी और ये है सी ए, और बी सी को ऐसे मिलाया गया है, तो ये दोनों कोण कौन से होंगे एकांतर कोण, तो ये 45 का है, कितने का हो जाएगा 45 का, इस अवनमन कोण को हमने उन्नयन कोण बदल दिया। अब हमारे पास यहाँ पर है डी ई, और डी ई को मान लेते हैं हम, ये डी ई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम मानना चाहो तो आप एक्स मीटर मान सकते हो, ये जो दूरी है यहाँ पर ई डी एक्स मीटर। त्रिभुज लेंगे पहले, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी के अंदर, ए सी बी के अंदर कोण के सामने एक भुजा कहलाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगाएंगे, लंब बटे आधार होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा, थीटा है 45 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, लंब है 7 मीटर बटे आधार, आधार है एसी, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि AC की लंबाई और BE की लंबाई दोनों क्या होंगी बराबर, AC बराबर होगा BE, AC और B दोनों क्या होंगे बराबर। यहां से देखते हैं टेंजेंट 45 का मान होगा 1 बराबर 7 बटे AC, यहां से कह सकते हैं कि AC बराबर है 7 मीटर, यहां से हमने AC का मान निकाल लिया, AC का कहो या एक तरह से बी, ए सी और बी दोनों बराबर है, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा 7 मीटर। अब लेंगे त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज बी ई डी या डी ई बी कुछ भी कह सकते हैं, त्रिभुज बी ई बी में
त्रिभुज डी ई बी के अंदर। यहाँ पर देखिए कोणीय सारणी, इसके सामने का भुजा कहलाएगी लंब, तो यहाँ पर डी ई जो एक्स मान्य है वो लंब है और ये क्या है ई बी आधार, तो लंब बटे आधार वही टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है 60 के सामने की भुजा जो है एक्स बटे आधार, आधार इस त्रिभुज का ई बी, ई बी को मैं कह सकता हूँ 7 के बराबर, ई बी बराबर है ए सी और ए सी हमने निकाल दिया अभी 7, तो मैं ई बी की जगह रख सकता हूँ 7। टेंजेंट 60 का मान होता है वर्गमूल 3 एक्स बटे 7, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा 7 वर्गमूल 3। हमें निकालनी थी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर है h, और h बराबर है यहां से देखा जाए कि h बराबर होगा किसके, h बराबर है CE जमा DE, H को लिख सकते हैं CE जमा DE, CE है 7 मीटर जमा DE, D था X, D को मैंने क्या मानना था X, और X कितना है 7 वर्गमूल 3, तो यहां से हम कह सकते हैं कि H बराबर होगा 7 जमा 7 वर्गमूल 3, या 7 को मान ले हम वर्गमूल 3 जमा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 वर्गमूल 3 जमा 7, 7 को मानेंगे तो वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर, अतः टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 गुना वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आकृति बनाते हैं, ये समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये एक लाइट हाउस बना लिया हमने, 75 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसके शिखर से देखने पर, इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर ये लाइट हाउस है, ये इसका शिखर है बिंदु बी, बी से देखने पर दो समुद्री जहाज यहां पर है कि अवनमन कोण, एक समुद्री जहाज मान लो यहां पर है और एक यहां पर है, सी और ये डी, एक बिंदु सी पर है और एक बिंदु डी पर है, अवनमन कोण है 30 व 45, यहां से देखा इसकी तरफ और यहां से देखा इसकी तरफ, बी से देखा सी की तरफ, तो कोण अवनमन कोण है 45 डिग्री, ये है क्षितिज सतह और ये देख रहा है सी की तरफ, ये हो जाएगा इसका दृष्टि सतह, इसके बीच का कोण ये कोण 45 डिग्री, दूसरा कोण है 30 डिग्री, अब इस बिंदु बी से देखा है डी की तरफ, इस जहाज की तरफ, ये तो ये जो कोण बनेगा ये इसका क्षितिज सतह हो जाएगा, सिर हो जाएगी और ये है दृष्टि सतह, तो ये कोण ये यहां से लेकर के और यहां तक का ये कोण है 30 डिग्री अवनमन कोण। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे के पीछे है, दोनों लाइट हाउस की इस तरफ है और एक के पीछे एक है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, हमें सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि इन दोनों जहाजों के बीच में कितनी दूरी है। इन कोणों को हम नीचे ले आते हैं, देख कैसे, ये एक रेखा है, इसको कोई नाम दे देते हैं हम, बी ई कह देते हैं, और ये ए डी है जमीन का सतह, ये दोनों आपस में समानांतर है क्योंकि दोनों क्या है क्षितिज है, ये कोण बराबर होगा, ये वाला जो कोण है ये कोण बराबर होगा इस कोण के एकांतर कोण, ये कोण है 45, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये जो कोण है ये कोण बराबर होगा इस कोण के एकांतर कोण,
ये कोण है 30 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। हमारे पास ये दो इस तरह से क्षितिज लाइनें हैं और ये हो जाएगी एक तिर्यक रेखा, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, बराबर एकांतर कोण। त्रिभुज लेके चलेंगे पहले ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी के अंदर। इस त्रिभुज में 30 के सामने की जो भुजा होगी, यानी कोण के सामने जो भुजा होगी, वो कहलाएगी लंब। तो यहां पर ए बी है लंब, तो लंब बटे आधार, टेंजेंट, लंब बटे आधार हो जाएगा टेंजेंट। तो टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ए बी, 75 दिया हुआ है, बटे आधार, आधार होगा ए डी, ए डी। टेंजेंट 30 का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 75/AD, या ये कहें कि AD बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर। हमने AD की लंबाई निकाल ली 75√3। अब लेंगे हम त्रिभुज ACB में, जिसका अवनमन कोण है 45 डिग्री। यहां पर भी वही लगाएंगे, लंब इस कोण के सामने का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेंजेंट। तो टेंजेंट 45 डिग्री बराबर लंब, लंब है यहां पर ए बी, या 75 कह सकते हैं, दिया हुआ है, बटे आधार, आधार है यहां पर ए सी, इसका आधार होगा ए सी, इसका आधार था ए डी। टेंजेंट 45 का मान 1/75/AC, या ये कहें कि हम ए सी का मान हो जाएगा 75 मीटर। ए सी हमने निकाल लिया 75 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी सी। हमारे पास ए डी की लंबाई भी है और ए सी की लंबाई भी है, तो डी सी क्या हो जाएगा, डी सी होगा ए डी घटा ए सी। हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर है AD बराबर है AC जमा CD, AC जमा CD, हमें निकालना है CD। तो यहां से हमारे पास CD क्या हो जाएगा, CD बराबर होगा AD घटा AC, AD घटा AC, AD है 75√3 घटा AC, AC है 75, 75 को मान लेंगे, अंदर आएगा √3 / 1। और सीडी क्या था, सीडी था दो जहाजों के बीच की दूरी, अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर √3 / 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पर बच्चों हमें जो कोण दिए हैं वो पूरक कोण बता रखे हैं। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री हो तो हम कहेंगे वो दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। जैसे कह सकते हैं हम 30 और 60, ये दोनों पूरक कोण हैं। 45 45, ये दोनों पूरक कोण हैं। 40 50, ये दोनों पूरक कोण हैं। 60 30, ये पूरक कोण है, यानी कि जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो वो कहलाएंगे पूरक कोण। तो हमारे पास अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, 60, यानी 90/30 डिग्री। अगर हमारे पास एक कोण है 60 डिग्री तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90/60 30 डिग्री, इस तरह से। तो इसमें हम मान के चलेंगे कि माना जो कोण है वो एक है, वो थीटा है, तो दूसरा कोण क्या होगा, अगर पहला कोण थीटा है और दोनों कोण पूरक कोण है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90/थीटा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री।
आकृति बना लेते हैं पहले। एक मीनार है, इसके आधार से, इसका आधार है ये, एक सरल रेखा में 4 मीटर, ये इसके आधार से 4 मीटर दूर कोई बिंदु है बी, और फिर उससे आधार से ही 9 मीटर दूर एक बिंदु है यहाँ पर सी। ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये है 4 मीटर, और ए से सी की जो दूरी है वो है 9 मीटर। दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, पूरक कोण है, यानी कि कोण बनेंगे तो ये और एक ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है, मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ है वो 90 डिग्री है। तो हम किसी एक को मान के चलते हैं कि मान लिया हमने ये कोण कितने का है, थीटा का, ये अगर कोण थीटा है तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 घटा थीटा डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है ना, ये 90 डिग्री। इसमें हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मीनार है AD, तो हमें AD की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करनी है। मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, h मीटर, और हम फिर दिखा देंगे कि h का मान कितना है, 6, हम h को 6 लेके आएंगे। त्रिभुज पहले लेते हैं, इसको या इसको, कोई सी त्रिभुज को आप पहले ले सकते हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में थीटा ये है, सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगा, आधार, लंब बटे आधार होता है टेंजेंट, तो टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट थीटा, यहाँ पर थीटा हमारा थीटा ही है, टेंजेंट थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है एच बटे आधार, आधार है AB जो दिया हुआ हमें 4, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज अब लेंगे, त्रिभुज अब लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ACD में, ACD के अंदर जिसका उन्नयन कोण है 90 घटा थीटा, सामने की भुजा क्या है AD जो दे रखी है, हमने माननी है सामने की भुजा क्या है AD जो हमने माननी है H, वो लंब है, और ये क्या हो जाएगा, आधार, तो लंब बटे आधार टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, थीटा यहाँ पर है 90 घटा थीटा, थीटा यहाँ पर 90 घटा थीटा है, बराबर लंब बटे आधार, लंब है H या AD या H बटे आधार, आधार AC जो हमें दिया हुआ है 9 मीटर। टेंजेंट 90 घटा थीटा, टेंजेंट को जब हम बदलेंगे 90 घटा थीटा से तो वो टेंजेंट बदल जाता है कोट में, टेंजेंट 90 घटा थीटा होता है कोट थीटा, बराबर एच बटे 9। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर टेंजेंट थीटा गुणा कोट थीटा बराबर एच बटे 4 गुणा एच बटे 9, टेंजेंट थीटा गुणा कोट थीटा बराबर होगा 1, क्योंकि टेंजेंट थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा, या कहें कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेंजेंट थीटा, एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल लिए, तो ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेंजेंट थीटा गुणा कोट थीटा को लिखेंगे 1 बटा टेंजेंट थीटा बराबर एच गुणा एच, एच का वर्ग बटे 9 गुणा 4 36, ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1 बराबर h² / 36, r पर गुणा करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा h² / 36, या ये कह सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे h = 6, और हमने h क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर, वही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर।
तो बच्चों हमारा ये 9वां चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके हमने सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे परीक्षा की दृष्टि से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे हमने एक करके सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।